केस आए तो एक बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर डेंगू के 26 नए केस आए हैं। कल डेंगू के 25 केस आए थे, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ऐशबाग, आशियाना, वृंदावन में डेंगू के मरीज लगातार भर्ती हो रहे हैं अस्पतालों में। मड़ियाव इलाके में कई डेंगू के मरीज मिले हैं। नगर निगम कर्मचारियों की बड़ी लापरवाही भी यहां पर देखने को मिली है। पोंगिंग इनाम पर खानापूर्ति लगातार की जा रही है। नगर निगम क्षेत्र में कोई साफ सफाई नहीं होती है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बलरामपुर अस्पताल में मरीजों को परेशानी हो रही है। तो एक बड़ी खबर, अस्पताल में डेंगू जांच की किट मौजूद नहीं होती है और सैंपल देने वाले मरीजों को लौटा दिया जाता है और अस्पताल के कर्मचारी मरीजों को लौटा देते हैं। तो आपको बता दें कि लखनऊ में डेंगू के 26 नए केस आए हैं, लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अस्पताल की ये तस्वीरें हैं जहां पर रोज डेंगू के नए मरीज अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। ऐशबाग, आशियाना, वृंदावन में डेंगू के नए मरीज भर्ती हो रहे हैं। आपको बता दें कि कल डेंगू के 26 नए केस आए थे, 26 नए मरीज सामने आए। आपको बता दें कि डेंगू का कहर लगातार लखनऊ में बढ़ता जा रहा है। ऐशबाग, आशियाना, वृंदावन में डेंगू के मरीज अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। मड़ियाव इलाके के कई डेंगू के मरीज सामने आए हैं और नगर निगम कर्मचारियों की एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। और फॉगिंग के नाम पर खानापूर्ति लगातार की जाती है। नगर निगम क्षेत्र में कोई साफ सफाई नहीं करता है और सिर्फ फॉगिंग के नाम पर खानापूर्ति की जाती है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, साफ सफाई नहीं की जाती है, सिर्फ फॉगिंग की जाती है, जिसकी वजह से मच्छर बढ़ जाते हैं और लगातार डेंगू के नए नए केस सामने आ रहे हैं। एक बड़ी संख्या में अस्पताल में मरीज डेंगू के इलाज के लिए पहुंचे हैं। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां पर डेंगू का कहर बढ़ता ही जा रहा है और अस्पताल में नए नए केस सामने आ रहे हैं। और एक बड़ी लापरवाही यहां पर नगर निगम की भी देखने को मिली है, जहां पर सिर्फ फॉगिंग की जाती है, साफ सफाई पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बलरामपुर अस्पताल में मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। संजय सिंह चौहान हमारे साथ, हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं लखनऊ से। संजय, क्या कुछ वजह है कि लखनऊ में मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है? बिल्कुल बताओ मनीष आपको कि जिस तरीके से डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और नगर निगम ने जो दावे किए थे, स्वास्थ्य विभाग ने जो दावे किए थे, हालात ये बने हैं कि बलरामपुर अस्पताल में मेडिकल जो किट है डेंगू की जांच की वो नहीं उपलब्ध है और जितने बेड हैं लगभग वो फुल हो चुके हैं। वहाँ पर एडमिट करने की जगह तक नहीं बची है, तो वहाँ के जो डेंगू के पेशेंट हैं उन्हें वापस किया जा रहा है। तो ऐसे हालात वहाँ पर खुद बने हुए हैं, मैंने खुद जा करके वहाँ पर देखा। हालांकि अगर CMS प्रशासन की बात करें तो वो तमाम बड़े दावे कर रहे हैं और वो कहते हैं कि वहाँ से किसी को वापस नहीं किया जा रहा है, लेकिन हालात ये हैं कि डेंगू से लोग लगातार पीड़ित हो रहे हैं और राजधानी लखनऊ का, चाहे फैजुल्लागंज हो, पुराना लखनऊ हो, जो आउटर इलाका है लखनऊ का, जहाँ पर गंदगी ज्यादा है, जहाँ पर बाढ़ का पानी है, जलभराव ज्यादा हुआ था, वहाँ पर भी डेंगू के पेशेंट्स ज्यादा हो रहे हैं। लोग वहाँ पर की नगर निगम ने वहाँ जो तैयारियां होनी चाहिए थी वो नहीं कर पाया। स्वास्थ्य महकमा वहाँ पर न तो किसी तरीके से काउंटर लगा पाया, जिस तरीके से काउंटर लगा करके दवाओं का वितरण करता है या टीकाकरण करता है वो भी सब नहीं हो पाए। तो ऐसे में पेशेंट की संख्या का जो प्रेशर है वो लखनऊ के चाहे लोहिया हो, बलरामपुर हॉस्पिटल हो, KGMU हो, यहाँ पर बड़ी लापरवाही नगर निगम की भी देखने को मिल रही है, जहाँ पर सिर्फ फॉगिंग के नाम पर फॉगिंग की जा रही है और साफ सफाई पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बिल्कुल, नगर निगम की तो भारी जो दावे हैं वो पूरी तरीके से फेल नजर आ रहे हैं। जो फॉगिंग की बात हो रही थी, दवा छिड़काव की बात हो रही थी, साथ ही जिस तरीके से कहा जा रहा था कि डेंगू को लेकर के पूरी तरीके से सतर्क है और पूरे दावे किए जा रहे थे कि पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरी तैयारियां कंप्लीट कर ली गई है, लेकिन उन तैयारियों की पोल पूरी तरह से खुलती नजर आ रही है। नगर निगम के ऑफिस के खुद सामने ही इतनी गंदगी फैली रहती है। अभी मैंने बलरामपुर अस्पताल में देखा कि वहां खुद गंदगी, हॉस्पिटल्स में गंदगी देखने को मिल रही है। CMO ऑफिस का भी एक बड़ा रोल होता है डेंगू पर, कि वो निगरानी रखे कहां कहां पर जलभराव है, गंदगी है, उन्हें नोटिस जारी करे, लेकिन नोटिस देने के नाम पर की कार्रवाई केवल कागज तक सीमित है, लेकिन उस पर बड़ी जो कार्रवाई होनी चाहिए थी, आज तक CMO ने कोई भी इस तरीके की कार्रवाई करके उदाहरण नहीं पेश किया है। मनीष जी, संजय आपसे जानना चाहेंगे कि लखनऊ में कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां से डेंगू के नए नए केस सामने आ रहे हैं।
बिल्कुल मैं बताऊं आपको कि राजधानी लखनऊ का फैजुल्लागंज एक ऐसा इलाका है जहां पे गोमती का पानी चढ़ता है और वहां पे बाढ़ जैसे हालात बनते हैं, वो इलाका है। पुराने लखनऊ के कई इलाके हैं, साथ ही साथ आप अगर आगे जाए चिन्हट और खुर्रम नगर इलाके पर और उसके बाद गोमती नगर जो पॉश इलाका माना जाता है, लेकिन पेशेंट वहां पर भी निकल के आ रहे हैं क्योंकि नालियां होने हैं, जल भराव वहां भी देखने को मिलता है। और खासकर बड़ी बात यह है कि गंदगी के जो अंबार लगते हैं जहां पे डंप किया जाता है कूड़ा, वहां से भी दिक्कतें होती है। कूड़ा को उठा पाने में नगर निगम उतनी त्वरिता दिखाई दिखा पाता, तेजी नहीं दिखा पाता, जिसकी वजह से पॉश इलाके में भी पीड़ितों की संख्या में खासा इजाफा हो रहा है। और यही वजह है कि बलरामपुर सिविल लोहिया और केजीएमयू में कि जो बेड है उनकी क्षमताएं लगभग फुल हो चुकी है और डेंगू के पेशेंट्स को वापस किया जा रहा है बलरामपुर हॉस्पिटल से। संजय, क्या कुछ कहना है स्वास्थ्य विभाग का? अगर एक बड़ी संख्या में अस्पताल में ये डेंगू के मरीज भर्ती होते हैं तो क्या इस स्थिति के लिए तैयार है स्वास्थ्य विभाग? बिल्कुल मैं बताऊं आपको, क्योंकि आज जिस तरीके से जो है ऑफिशियल छुट्टी है तो ऐसे में आधिकारिक रूप से बात नहीं हो पाई, लेकिन बलरामपुर जो प्रशासनिक लोग हैं उनसे मेरी बात हुई, उनका साफ तौर पर कहना है किसी भी मरीज को वापस नहीं किया जा रहा है। कल एक घंटे की के महज कम समय में थोड़ी सी दिक्कत आई थी, लेकिन वो दिक्कतें पूरी तरीके से कंप्लीट कर ली गई हैं और लगातार पेशेंटों को लिया जा रहा है। हालांकि उन्होंने दिखाया कि सुबह भी पेशेंट को लिया गया है, लेकिन संख्याएं लगातार बढ़ रही हैं और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य महकमा, क्योंकि इतना बड़ा महकमा है और खामियां जरूर है, और यही वजह है कि वो खामियां निकल कर हम तक पहुंचती हैं, आप तक पहुंचती हैं और आम जनमानस परेशान होता है। लेकिन स्वास्थ्य महकमा को जरूरत है ज्यादा जागरूक होने की और बड़ी जिम्मेदारी के साथ, बड़े क्योंकि महकमा बड़ा है तो जिम्मेदारी भी बड़ी है, तो उसे उस चुनौती को स्वीकार करने की। यह विभाग हरदम चुनौतियों से भागता नजर आता है, जब भी कोई खामी देखने को मिलती है तो उसे खाना पूर्ति करने का प्रयास जरूर किया जाता है, लेकिन उसे पूरा कैसे किया जाए उस पर विचार विमर्श नहीं किया जाता। तो ऐसे में देखना होगा स्वास्थ्य मंत्री को भी। संजय, आप हमारे साथ बन रही अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। तो एक बड़ी खबर आ रही है, लखीमपुर में स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। इस बुखार से दर्जनों ग्रामीण बीमार हुए हैं और एक महीने में खीरी में 18 लोगों की मौत हो गई है। डेंगू टाइफाइड से 18 मौतों की आशंका है, ग्रामीण परेशान है, स्वास्थ्य विभाग बेखबर बना हुआ है और मजबूरी में खीरी के लोग लखनऊ जा रहे हैं। लखीमपुर में किसी को बेहतर इलाज नहीं मिल रहा है, स्वास्थ्य विभाग में कैंप में दवाएं कम हैं और गौला के जलालपुर में स्थिति बहुत खराब है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी में लोग परेशान हैं, मजबूरी में उन्हें लखनऊ जाना पड़ रहा है, ग्रामीण परेशान है, स्वास्थ्य विभाग अभी भी बेखबर बना हुआ है और एक महीने में खीरी में 18 लोगों की मौत हो चुकी है और तेज बुखार से दर्जनों ग्रामीण बीमार बने हुए। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शारिक फोन लाइन पर बने हुए हैं। शारिक, यहां पर एक बड़ी लापरवाही स्वास्थ्य विभाग की देखने को मिली है। बिल्कुल मनीष, देखिए यहाँ पे दोला का जलालपुर गांव में, वहां पर एक महीने में एक ही गांव में 18 लोगों की मौत हो चुकी है और ये मौत तेज बुखार, डेंगू और टाइफाइड इन्फेक्शन दूसरा जताया जा रहा है। सबसे बड़ी लापरवाही की बात यह है, ग्रामीण लगातार जो है कॉन्टेक्ट करती है पीएससी में, उसके बाद भी इस बात पर गौर नहीं है कि आखिर ये बुखार क्यों फैल रहा है, क्या वजहत इसके पीछे है। और नतीजतन ये सामने आया है कि जो यहाँ पर डेंगू लगे हुए हैं, गंदगी फैला रहे हैं, प्रदूषण फैला रहे हैं और उसके बाद इतनी बड़ी संख्या में मौतें होना कहीं ना कहीं पूरे तौर पर यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग जिम्मेदार नजर आ रहा है और कई लोग इस बीमारी से परेशान भी हैं जिनका बेहतर इलाज नहीं मिल पा रहा है और मजबूरन वो लखनऊ की तरफ रुख किए हुए हैं। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद शारिक। तो आपको बता दें, लखनऊ ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में डेंगू अपने पैर पसार रहा है और जिले में भी देखने को मिला है डेंगू का कहर। तो अमेठी की ये बड़ी खबर है, जहां पर अमेठी में भी देखने को मिला है डेंगू का कहर। जिले में अब तक 46 मरीज डेंगू के शिकार हो चुके हैं। जगदीशपुर सीएचसी में सबसे ज्यादा डेंगू के मरीज भर्ती हुए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शिव सरोज ऑनलाइन पर जुड़ गए हैं। शिव, क्या कुछ स्थिति बनी हुई अमेठी की? तरीके देखा जाए इस समय जिले में भी डेंगू का प्रकोप बहुत तेजी से बढ़ा और सबसे ज्यादा अगर डेंगू की बात की जाए तो जगदीशपुर सीएससी उसके क्षेत्र में काफी मात्रा में डेंगू के लोग शिकार हुए। वहीं इस संबंध में हम लोगों ने जब सीएमओ से बात करना चाहा तो सीएमओ ने कहा है कि डेंगू से बचने के लिए गांव-गांव में मच्छर के लिए दवा का छिड़काव किया जा रहा है और बहुत जल्द हम लोग इस पर काबू पा लेंगे। जी शिव, आपसे जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे आपसे कि आखिर डेंगू का प्रकोप बढ़ता ही क्यों जा रहा है अमेठी में, किसकी लापरवाही यहाँ पर देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, जिस तरीके देखा जाए इसमें लापरवाही साफ साफ स्वास्थ्य विभाग
जिला प्रशासन नजर आ रहे हैं, क्योंकि बहुत गांव ऐसे पड़े हैं जहां पे गंदगी का अंबार लगा हुआ है और बड़े बड़े मच्छर हो गए हैं वहां पर, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अभी वहां पे दवा का छिड़काव नहीं किया गया। जी शिव, क्या कुछ कहना है स्वास्थ्य विभाग का, क्या इस स्थिति के लिए तैयार है स्वास्थ्य विभाग? जी बिल्कुल, जिस तरीके से बात की जाए, अगर स्वास्थ्य विभाग का ये कहना है कि हम कई टीमें बनाए और हर सीएससी क्षेत्र में जाकर वो गांव-गांव में लोगों की जांच कर रहे हैं और वहां पे तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद शिव। तो आपको बताया हमने जैसा कि पूरे प्रदेश भर में डेंगू अपने पैर पसारता जा रहा है। बढ़ेंगे हमारी अगली खबर की तरफ। कानपुर से बड़ी खबर है, जहां पर मछली से भरा हुआ ट्रक पलट गया। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मछली से भरा हुआ ट्रक पलट गया है, लोगों ने मछलियां लूटी, मछली लूटने से सड़क पर जाम लग गया। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कानपुर की ये तस्वीरें हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहां पर एक मछलियों से भरा हुआ एक ट्रक पलट गया और पूरे रोड पर यहां पर मछलियां बिखर गई, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। यहां पर एक बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए और मछलियां लूटने लगे। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें भारत समाचार पर। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं एक ट्रक यहां पर पलट गया, रोड पर ही ये ट्रक पलट गया, जिसकी वजह से पूरी रोड पर मछलियां फैल गई हैं। एक बड़ी संख्या में लोग यहां पर मौजूद हैं और मछलियां उठाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कानपुर की ये तस्वीरें हैं। आपको बता दें कि एक ट्रक यहां से गुजर रहा था कि अचानक वो ट्रक पलट गया, जिसकी वजह से पूरे रोड पर मछलियां फैल गई और लोग यहां पर पहुंच गए और मछलियां लूटते हुए नजर आए। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कानपुर की ये तस्वीरें हैं। तो एक बड़ी संख्या में लोग यहां पर मौजूद हैं और मछलियां लूटते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि कानपुर में एक ट्रक यहां से निकल रहा था जिसमें मछलियां भरी हुई थी और अचानक किसी कारण ये ट्रक पलट गया, जिसकी वजह से मछलियां पूरी रोड पर फैल गई और यहां पर एक बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए और मछलियां लूटते हुए नजर आए। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहां पर रोड पर मछलियां गिरने की वजह से रोड पर जाम भी लग गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहां पर मछलियां लूटने के लिए एक बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए हैं और जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहां पर लोग मौजूद हैं, इसकी वजह से दूसरी जो रोड है वो भी काफी जाम हो गई है, यातायात पर भी इसका असर देखने को मिला है। तो तस्वीरें आपके सामने हैं, कानपुर की ये तस्वीरें हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहां पर एक बड़ी संख्या में रोड पर मछलियां पड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से लोग यहां पर पहुंच गए हैं और मछलियां उठाते हुए नजर आ रहे हैं और इसकी वजह से रोड भी जाम हो गई है, लोगों को आने जाने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कई बसें यहां पर खड़ी हुई हैं, लोग यहां पर जाम में फंसे हुए हैं, पुलिस वाले यहां पर मौजूद हैं, उसके बावजूद यहां पर से तेजी से काम नहीं किया जा रहा है, मछलियों को हटाया नहीं जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और वहीं योगी सरकार ने 59 लोगों की सुरक्षा बढ़ा दी है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, योगी सरकार ने 59 लोगों की सुरक्षा बढ़ाई है। सुरेश राणा, संगीत सोम की सुरक्षा में इजाफा किया गया है, नंदी वसीम रिजवी की सुरक्षा में इजाफा किया गया है और जुफर फारूकी की भी सुरक्षा सरकार ने बढ़ा दी है। नरेश अग्रवाल को वाई प्लस ट्रेडिंग की सुरक्षा दी गई है, सुरेश राणा की सुरक्षा जेड प्लस कर दी गई है, संगीत सोम की सुरक्षा वाई से बढ़ा करके जेड की गई है और मंत्री नंद गोपाल नंदी की सुरक्षा रेड श्रेणी की गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सीमा नकवी सीधे जुड़े हुए हैं। संदी, आपसे जानना चाहेंगे सीमा की क्या कुछ वजह है कि यहां पर बदलाव किया गया है सुरक्षा में? देखिए, अयोध्या एक मामला चल रहा था और उसका फैसला आ चुका है और जो अयोध्या से जुड़े पक्षकार थे उनके साथ साथ उन लोगों की भी सुरक्षा बढ़ाई गई है जो कि इस पूरे मामले में पहले से मुलव्विस थे या जिनकी जो है सरकार ने एनालिसिस किया है कि ये इन लोगों को जो है वो खतरा हो सकता है इस फैसला आने के बाद, क्योंकि पश्चिम से जुड़े दो नेता हैं, एक सुरेश राणा है और एक संगीत सोम है। इन लोगों का भी जो है जो पिछली सरकारों में दंगे वगैरह हुए थे तो इन लोगों पर बड़े आरोप लगे थे कि मुसलमान विरोधी छवि बनी थी इन लोगों की। तो इन सब चीजों को देखते हुए सरकार ने संगीत सोम की सुरक्षा बढ़ाई है जो कि भाजपा से विधायक हैं और सुरेश राणा जो भारतीय जनता पार्टी सरकार में गन्ना मंत्री हैं उनकी सुरक्षा को बढ़ाया हुआ है। उसी तरह नंद गोपाल नंदी उनकी भी सुरक्षा बढ़ाई गई है, वो इलाहाबाद से जो है वो विधायक हैं और सरकार में मंत्री हैं। साथ ही साथ सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं जुफर फारूकी, अभी तक इनको कोई सुरक्षा नहीं मिली हुई थी लेकिन जब से ये फैसला
मामला आया है और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि हम अब कोई भी रिव्यू पिटीशन दाखिल नहीं करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद से सरकार ने जो है वो फैसला लिया और जुफर फारूकी की भी सुरक्षा को बढ़ाया हुआ है, जबकि वसीम रिजवी राम मंदिर की को लेकर तो जो है वो लगातार बयान देते रहे हैं और राम मंदिर का फेवर करते रहे हैं। उनको सरकार ने पहले से वाई श्रेणी की सुरक्षा दे रखी थी, लेकिन अब उसको जो है वो वाई प्लस कर दिया गया है। यानी इन सभी लोगों की सुरक्षा जो है वो सरकार ने इसलिए भी बढ़ाई है कि ये लोग जो है वो टारगेटेड हो सकते हैं, किसी का निशाना बन सकते हैं। तो सुरक्षा की दृष्टि से सरकार ने एक समीक्षा की और उसके साथ साथ जो है वो इन लोगों की सुरक्षा बढ़ाई है। इतना ही नहीं, ऐसे लोगों की सुरक्षा हटाई भी गई है जो मध्यस्थता कमेटी में थे, क्योंकि मध्यस्थता कमेटी में जब जिन लोगों को पूरे मामले की मध्यस्थता करने के लिए कहा गया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो कोर्ट है उसके बाहर जाके फैसला कर लें और आपसी सामंजस्य बरकरार रखें, तो उस वक्त इन लोगों को सुरक्षा मुहैया कराई गई थी कि कोई अराजक तत्व किसी तरह की घटना को ना अंजाम दे दे जिससे इन लोगों को नुकसान हो सके। लेकिन जब ये मध्यस्थता कामयाब नहीं हो पाई और सुप्रीम कोर्ट को खुद फैसला देना पड़ा तो इन लोगों की जो है वो सुरक्षा पूरी तरह से हटा ली गई है। इसके साथ साथ हाशिम अंसारी और उसके अलावा जो है रामविलास मेदांती, इन लोगों की भी जो है वो सुरक्षा में बरकरार रखी गई है और फिलहाल इन लोगों को भी सुरक्षा मिलती रहेगी। जी सीमा, यहाँ पर जो महत्वपूर्ण लोग हैं केस से जुड़े हुए उनकी सुरक्षा तो बढ़ा दी गई है, शहर का क्या उसकी सुरक्षा में भी कुछ बदलाव किया गया है, शहर को कैसे सुरक्षित किया जा रहा है? देखिए, शहर की जब से जब फैसला आया है उससे पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को लेकर खास तौर से साफ निर्देश दिए थे, सभी बड़े अधिकारियों की बैठक की थी और उसके बाद साथ ही साथ उन्होंने जो जिले के जिला अधिकारी हैं एसपी हैं उन लोगों से सीधा संवाद करके जो है वो डायरेक्शन दिए थे कि कोई भी अराजक तत्व तो अगर किसी तरह की शरारत करता हुआ पाया जाता है या फेसबुक पे व्हाट्सएप पे सोशल मीडिया पे किसी तरह की जो है वो कोई बयानबाजी करता है या भाषण देता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और अयोध्या का फैसला आने के बाद कुछ लोगों पे कार्रवाई की भी गई। इसके साथ ही साथ जो सेंसिटिव इलाके थे उत्तर प्रदेश में वहां पे जो सुरक्षा व्यवस्था थी वो कड़ी कर दी गई थी और धीरे धीरे अब ये माहौल जो है वो शांत रहा और पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं सुई की नोक के बराबर भी इस तरह की जो है वो वारदात सामने नहीं आई कि जिससे किसी तरह का माहौल बिगड़ सकता। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक सराहनीय काम था और उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते इतने बड़े फैसले को इतना सुरक्षित ढंग से जो है वो निपटा दिया, ये सराहनीय है। जानकारी के बहुत-बहुत धन्यवाद सीमा। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए थे। बढ़ेंगे हमारी अगली खबर की तरफ। मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर है जहां पर जावेद को एनआईए ने अरेस्ट किया है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर, जावेद को एनआईए ने अरेस्ट किया है। कल दिल्ली से एनआईए ने अरेस्ट किया है आतंकी संगठन के लिए फंड जुटाने का इस पर आरोप है। सऊदी में कारपेंटर का काम करता था जावेद, जिसे गिरफ्तार किया गया है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एनआईए ने जावेद को मुजफ्फरनगर से अरेस्ट किया है। तो एक बड़ी खबर, कल दिल्ली से एनआईए ने इसे अरेस्ट किया है, आतंकी संगठन के लिए फंड जुटाने का आरोप है इसके ऊपर। और सऊदी में कारपेंटर का काम करता था जावेद, इसे पुलिस ने गिरफ्तार किया। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मुजफ्फरनगर से, बड़ी खबर है जहां पर जावेद को एनआईए ने गिरफ्तार किया है और कल दिल्ली से एनआईए ने इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि आतंकी संगठन के लिए फंड जुटाने का इस व्यक्ति के ऊपर आरोप है। और बढ़ेंगे हमारी अगली खबर की तरफ। उन्नाव से एक बड़ी खबर है जहां पर संदिग्ध परिस्थिति में खड़े ट्रक में अचानक आग लग गई और ट्रक के अंदर मौजूद क्लीनर जिंदा जल गया है। क्लीनर की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। दो और लोग बुरी तरह से इस हादसे में झुलस गए हैं। एचपी गैस प्लांट के बाहर ट्रक में भीषण आग लग गई। प्लांट द्वारा आग लगने के बाद भी नहीं दिया गया पानी और ट्रक में लोड थे खाली सिलेंडर। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड और स्थानीय पुलिस और लगातार इसके आग के ऊपर काबू पाने का प्रयास किया गया। कोतवाली उन्नाव के दही चौके स्थित एचपी गैस प्लांट का यह पूरा मामला है। उन्नाव की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर अचानक एक ट्रक में आग लग गई, जिसकी वजह से क्लीनर की मौके पर ही जलकर दर्दनाक मौत हो गई।
तो आपको बता दें कि ट्रक के अंदर मौजूद क्लीनर जिंदा जल गया है। उन्नाव से बड़ी खबर, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में खड़े हुए एक ट्रक में अचानक आग लग गई और क्लीनर की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। दो और लोग बुरी तरह से इस हादसे में झुलस गए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, उन्नाव की ये तस्वीरें हैं जहां पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया। तो आपको बता दें कि एचपी गैस प्लांट के बाहर ट्रक में अचानक भीषण आग लग गई और प्लांट द्वारा आग लगने के बाद भी पानी नहीं दिया गया। ट्रक में लोड थे खाली सिलेंडर। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड और स्थानीय पुलिस और यहां पर उन्नाव में, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, फायर ब्रिगेड की टीम यहां पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया। बढ़ेंगे हमारी अगली खबर की तरफ। हैदराबाद में ट्रेन एक्सीडेंट का ये वीडियो सामने आया है, ट्रेन एक्सीडेंट का लाइव वीडियो। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और लोकल ट्रेन से टकराई एक्सप्रेस, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, हादसे में 10 यात्री घायल हुए हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हैदराबाद की ये तस्वीरें हैं, जहां पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं दो ट्रेनें आपस में लड़ गई, एक बड़ा हादसा यहां पर देखने को मिला है। तो लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ट्रेन एक्सीडेंट की लाइव तस्वीरें हैं, जहां पर लोकल ट्रेन से एक एक्सप्रेस टकरा गई और इस हादसे में 10 यात्री घायल हो गए हैं। हैदराबाद की ये तस्वीरें हैं, तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, लोकल ट्रेन से पीछे से एक्सप्रेस टकरा गई, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा हो गया और इस हादसे में 10 लोग घायल हो गए हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हैदराबाद की ये तस्वीरें हैं, जहां पर ट्रेन एक्सीडेंट का लाइव वीडियो सामने आया है, जहां पर लोकल ट्रेन से एक्सप्रेस ट्रेन टकरा गई और इस हादसे में 10 यात्री घायल हुए हैं। तो हैदराबाद की ये तस्वीरें, तो जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहां पर दो ट्रेनें आपस में टकरा गई, लोकल ट्रेन से एक्सप्रेस ट्रेन टकराई है, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा हुआ है और इस हादसे में 10 यात्री घायल हुए हैं। और वहीं सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शरद पवार ने सोनिया गांधी से बात की है। फोन पर सोनिया गांधी ने आश्वासन दिया है महाराष्ट्र में अगली सरकार कांग्रेस की होगी और उद्धव ठाकरे बनेंगे महाराष्ट्र के सीएम। तो सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उद्धव ठाकरे बनेंगे महाराष्ट्र के सीएम। फोन पर सोनिया गांधी ने आश्वासन दिया है, शरद पवार ने सोनिया गांधी से फोन पर बात की है। सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महाराष्ट्र में अभी भी स्थिति साफ नहीं हो पाई है, लेकिन बड़ी खबर है, सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर शरद पवार ने सोनिया गांधी से बात की है और फोन पर सोनिया गांधी ने आश्वासन दिया है। हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के लिए रवि शराफ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। रवि, क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी मनीष, देखिए महाराष्ट्र की अगर बात करें तो शाह और मास की जो खेल है वो लगातार जारी है। सोनिया गांधी की आवाज पर अभी भी कांग्रेस पार्टी के कुछ जो वरिष्ठ नेता है, महासचिव के सी वेणुगोपाल, एके एंटनी, वो पहुंचे हैं और लगातार बैठक का जो दौर है कल देर रात से लेकर सुबह लगातार जारी है। और कांग्रेस की कोशिश है और एनसीपी की भी कोशिश है कि किसी तरह से वहां पे सरकार बनाया जाए। हालांकि अभी तक अगर देखे पूरा पॉलिटिकल महाराष्ट्र तो घाटे में, क्योंकि जिस तरह अपने मंत्री का इस्तीफा लिया, देश में बीजेपी से उनको स्लिप है। अभी अगर पाकिस्तान में है तो सेना है और बीजेपी और कांग्रेस की लगातार सरकार बनाई जाए, ताकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की बात करें तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि शिवसेना के साथ गठबंधन करते हैं सरकार बनती है तो भविष्य में कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो सकता है। और जो कांग्रेस पार्टी के विधायक वहां पर जो जीत कर आए हैं, उनका ये मानना है कि किसी भी तरह से सरकार बना जी, जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर उद्धव ठाकरे बनेंगे महाराष्ट्र के सीएम। बढ़ेंगे हमारी अगली खबर की तरफ। गोंडा से बड़ी खबर है, जहां पर कटरा बाजार इलाके में खनन माफिया हावी हुए हैं और भरतौली ताम में बड़े पैमाने पर अवैध खनन किया जा रहा है। 8 फीट से ज्यादा गहराई में खनन हो रहा है, खनन माफियाओं से मिली है कटरा बाजार पुलिस, जिसकी वजह से ये खनन किया जा रहा है। इलाकाई लेखपाल की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तालाब के पास की कई बीघा भूमि पर लगातार खनन किया जा रहा है। कटरा बाजार के इटेहा महादेव गांव का ये पूरा मामला है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, खनन माफियाओं से मिली कटरा बाजार पुलिस, जिसकी वजह से खनन लगातार किया जा रहा है। 8 फीट से ज्यादा गहराई में ये खनन लगातार जारी है और आपको बता दें कि भरतौली ताल में बड़े पैमाने पर अवैध खनन किया जा रहा है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, गोंडा की ये तस्वीरें हैं, जहां पर कटरा बाजार इलाके में खनन माफिया लगातार हावी होते जा रहे हैं। भरतौली ताल में बड़े पैमाने पर अवैध खनन लगातार किया जा रहा है, 8 फीट से ज्यादा गहराई में खनन किया जा रहा है। और वहीं कार्तिक पूर्णिमा का पर्व कल पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है।
गंगा, सरयू, नर्मदा और यमुना समेत देश की विभिन्न पवित्र नदियों में लाखों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। लोग आस्था की डुबकी लगातार धार्मिक स्थलों, मंदिरों में पहुंचकर पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। माना जाता है कि चतुर्थ मास के विश्राम के बाद भगवान कार्तिक पूर्णिमा को जागते हैं और कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान और दान का विशेष महत्व होता है। कार्तिक पूर्णिमा इसलिए भी खास है कि इसी तिथि को भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था, जो कि उनका पहला अवतार माना जाता है। तो ये तस्वीरें अमरोहा, बिजनौर, बलिया, बिजनौर से ये तस्वीरें हैं। आज कार्तिक पूर्णिमा है और ऐसा माना जाता है कि हमें कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा में स्नान करना चाहिए। गंगा में स्नान करके मन, तन और आत्मा सब पवित्र हो जाता है। और आज के दिन आप जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा भीड़ है। ये लोगों की सोच है कि हाँ भाई गंगा में स्नान करना है। कार्तिक मास में कार्तिक पूर्णिमा के स्नान करना शुभ माना गया है। हमारे हिंदू धर्म में मान्यता है इसका। पानी तो ठंड है भैया, हर की पूर्णिमा तो बहुत, लेकिन नहाने तो आई हूँ ना। महत्व यह है भैया कि जो कि यहाँ दान पुण्य अपना आदमी देता है, अपने परिवार कल्याण के लिए भगवान के प्रार्थना करता, गंगा माई से प्रार्थना करता है कि गंगा माई हमके बाल गोपाल सुखी रखें। कार्तिक पूर्णिमा का महत्व यह होला कि नहाए आइल जला अपने परिवार के लिए, सुख शांति के लिए, घर में सौभाग्य रहे, सबके कुशल पूर्वक भगवान रख ले रहे गंगा माई, यही के नाते नहाए आइल जला। आज कार्तिक पूर्णिमा का स्नान है, ये पूरे कार्तिक मास का स्नान का फल प्राप्त होता है, इसलिए अपार भीड़ आपको देख रहे हैं। जो स्नानार्थी लोग आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, सब परिवार के मंगल कामना के लिए। आज गंगा का बहुत बड़ा महत्व होता है, राष्ट्र पूर्णिमा भी है और गंगा भी है, देव दीपावली है, काशी विश्वनाथ की पूजा में बहुत बड़ा महत्व होते हैं आज, और गंगा स्नान में भी बहुत बड़ा महत्व है। कार्तिक पूर्णिमा है ना आज, इसीलिए कार्तिक पूर्णिमा में गंगा नहाने का बहुत बड़ा है। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर सरयू तट पर आस्था अपने उफान पर है। भोर से ही लाखों श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। सरयू स्नान जिस तरह के आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे हैं, सरयू में स्नान कर रहे हैं। भोर से ही ये श्रद्धालु स्नान करके अपने आराध्य को खुश करने के लिए पूजन अर्चन कर रहे हैं। यहाँ स्नान के बाद अयोध्या के जो प्रमुख मंदिर हैं वहाँ दर्शन पूजन कर रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन सरयू स्नान करने से जो जन्म जन्मांतर के पाप होते हैं, जाने अनजाने में किए गए पाप होते हैं, उनसे मुक्ति मिलती है। इसी को लेकर आज भोर से ही लोग श्रद्धालु दर्शन पूजन और स्नान कर रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से खुशी का माहौल है और लोग गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगभग 10 से 15 लाख लोग यहाँ पर गंगा मैया में डुबकी लगाते हैं और माँ गंगा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। महाभारत काल से ये मेला लगता आ रहा है और यहाँ पर 5 से 10 लाख लोग श्रद्धालु यहाँ पर 5 से 7 दिन के लिए प्रवास करते हैं। आइए बात करते हैं श्रद्धालुओं से, कितनी यहाँ पर खुशी का माहौल है और क्या इनके मन में है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कपिल कुमार। कब से तिगरी गंगा मेला यहाँ पर लगता आ रहा है? बचपन से लगता आ रहा है, सदियों से। कैसा माहौल रहता है, क्या 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 आप लोग यहाँ पर करते हैं? हम एक जन आते हैं, मौज लेते हैं, मस्ती करते हैं। कितने दिन तक आप यहाँ पर रहते हैं? यहाँ 5-6 दिन तक। कैसा रहता है माहौल? माहौल बहुत ही बढ़िया रहता है यहाँ पर, साफ सफाई बहुत मिलती है। माँ धंधा मैया दे पावन अक्षर पर आने का एक साल है, मौजा मिलता है यहाँ पर। हम फुल एंजॉय, फुल मस्ती करते हैं, 5-7 दिन यहाँ पर रुकने का मौजा मिलता है। व्यवस्था बढ़िया है, साफ सफाई बहुत है, शौचालय बहुत बनाए गए हैं इस बार, लाइटिंग में भी सुधार है, सड़क भी बहुत साफ सुथरी बनाई गई है, व्यवस्था बहुत बढ़िया है पिछले साल। पीढ़ी दर पीढ़ी MDH 100 वर्षों से आपकी सेहत के रखवाले।